जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अनदर ब्लॉग। टू गाइस, मैं ना इतना एक्साइटेड हूँ, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ कितना भीड़ लगा हुआ है। एक्चुअली मैं आया हूँ ये जुनबिल, जो जागी रोड में होता है जुनबिल मेला। तो एक्चुअली बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है यहाँ पे। ये काइंड ऑफ ये ट्रेडिशनल हेरिटेज बोल सकते हैं, कल्चरल हेरिटेज कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत दिन से चला आया हुआ है। असम का एक तो बिगेस्ट मेला होता है यहाँ में। गाइस आप लोग आदमी देख सकते हो कितना आदमी है, उस तरफ भी मेला हो रहा है और इस तरफ भी मेला हो रहा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो। वाओ, सरप्राइज गाइस, तो इतना बड़ा मेला आज तक मैंने नहीं देखा है। फर्स्ट टाइम मैं भी आया हूँ, पहले कभी आया नहीं था। और आदमी भी बहुत सारे हैं, तो आज ही स्टार्ट हो रहा है ये, और भी कंटिन्यू होगा 2-3 दिन तक। तो अभी चल के पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं कहाँ क्या होने वाला है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइस अभी मैं बिल्कुल पॉइंट में खड़ा हूँ, बीच टू बीच में उस तरफ से रास्ता आता है और इस तरफ जाता है नीचे तरफ। लेकिन उस तरफ भी है, इस तरफ भी है मेला। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो अभी कंफ्यूज हूँ कौन सा साइड में क्या चीज है, क्या कौन सा मेला लगा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है। दुकान कौन साइड है, धोनी सांगा मैंने नहीं फल है साइड। तो गाइस यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अभी मैं कंफ्यूज हूँ कहाँ जाऊँ क्या करूँ। बल इतना सारा शॉप लगा हुआ है, बहुत बहुत, क्या देखूं क्या ना देखूं, उस तरफ से बोल रहा है। गाइस सीन ये है कि मेरा भी एक गांव का दोस्त जो है यहाँ ऐसे दुकान लगाया हुआ है, उसका भी स्टॉल लगाया हुआ है, लेकिन वो उसका दुकान कहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है। वो बोला है यहाँ जाओ यहाँ जाओ, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है क्या करना है। मतलब लिटरली मैं पीछे आ गया, यहाँ देखो ये पीछे कुछ नहीं है और ये पीछे पूरा स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है। चलते हैं अभी ढूंढते हैं उसको, पर मज़ा भी आ रहा है कुछ अलग सा, क्योंकि सारा दुकान वगैरह सब जो है जो ऐसे जमीन पे लगाया हुआ है। हमारा रूरल विलेज लाइफ का जो वाइब जो है वो यहाँ मिल रहा है, तो इस फील समथिंग लाइक ओनरशिप ऐसे कुछ मिल रहा है। तो रेस्पेक्ट टू डैम जो ऐसे यहाँ शॉप लगाया हुआ है। देखो अभी कहाँ ढूंढो भाई, कुछ लैंडमार्क भी यहाँ आपको मिलने वाला है नहीं किसी को ढूंढने के लिए। इसको फोन कर रहा हूँ, वो बोल रहा है कि इधर ही कहीं पर है लेकिन नहीं मिल रहा है, तो फिर से और एक बार कॉल कर लेते हैं उसको। यहाँ तो लिखा माजुली जेंगराई आलो माजुली किचन आसे दोले कुमदांग। खुलुम्बाई लखीमपुर मिसिंग किचन ओके मिल गया मुझे लिटरली। गाइस यहाँ देखो ये सब
पॉर्क वगैरह सब कुछ। ये तो मूड दुष्ट काफी लंगर पावान है। अभी वीडियो वगैरह तो होता रहेगा, यहाँ पहुँच गया तो वो दोस्त को भी मिल गया। तो अभी पहले कुछ खाना टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए हम अभी पॉर्क जो उसको रोस्टर बना रहे हैं, पेट का पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो गाइस ये देखो ये रेडी हो गया, अभी इसको पहले अभी खा लेते हैं। तो गाइस अभी खाना पाना तो हो गया, थोड़ा सा रोस्टेड पोर्क खाया और साथ में एक ग्लास राइस बियर लिया। तो अभी थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, कहाँ क्या हो रहा है देखते हैं अभी। तो यहाँ कुछ इस तरह से ये स्टॉल लगाने वाला है, ये लेट मी चेक। ये बीट जो है बेम्बो का बीट है, बांस से बनाया हुआ है। तो ये देखो सब अभी तंबू बनाने वाला है, तो वो साइड में जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसी तरफ से सब लगा रहा है। बेसिकली मेला जो होता है इसमें एक्चुअली ट्रेडिशनल, ये इसको एक्सचेंज ट्रेडिशन बोल सकते हैं आप, जैसे कि आसामीज में बोलता है उसको विनिमय प्रथा। विनिमय मतलब एक्सचेंज और प्रथा मतलब जो ट्रेडिशन जो होता है, और बहुत दिनों से जो चला आया हुआ है वो प्रथा बोलते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि जो आउट ऑफ आसाम का लोग आते हैं तो कुछ सामान ले आते हैं, और आसाम से यहाँ से यहाँ का जो लोकल लोग हैं उन लोगों से एक्सचेंज में कुछ सामान लेके जाते हैं। तो उसी हिसाब से यह मेला तब से ऐसे स्टार्ट हुआ है और आज भी ऐसे ही चल रहा है। तो गाइस यहाँ देखो यह तंबू बनकर रेडी हो गया है, तो थ्री डे पहले बन ही रहा था तो ये रेडी हो चुका है। ये लोग तो कुछ इसी तरह से वो लोग तंबू लगा रहा है। उठी हो पाई नहीं, उठी हो पाई नहीं, उठी हो नहीं दिया नहीं दिया। ओके गाइस तो अभी इस टाइम टू मूव फ्रॉम हियर, क्योंकि चलना होगा, अंधेरा भी हो चुका है, सूरज भी ढल गया है और टाइम भी 4:36 हो चुका है। जो इसीलिए यहाँ से निकलना होगा हमें, यहाँ से गुवाहाटी पहुँचने में फिर हमको एक डेढ़ घंटा लगने वाला है। तो जाने से पहले मेला देख के जाते हैं, उस तरफ पूरा मेला लगा हुआ है। जल्दी करो, जल्दी 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 बस। तो अभी यहाँ से हम चलते हैं, तो कल फिर आएंगे हम, क्योंकि आज तो अकेले आए थे तो इतना मजा नहीं आया। तो कल और भी दोस्त लोग आने वाले हैं, तो उस टाइम तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लास्ट तो इतना अच्छा नहीं लगा, अकेले आए थे, बाकी लोग भी आज आ नहीं पाया, आने वाला था। गाइस अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया तो आप चैनल को अभी तक नए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, है कि नहीं। और क्योंकि कल वाला ब्लॉग जो और भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साथ में दो तीन दोस्त भी होंगे तो और भी ज़्यादा हम मज़े करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइस लिटरली अंधेरा हो गया है, तो अभी मैं हूँ जागी रोड में, जो जागी रोड टाउन जो होता है, और यहाँ से अभी गुवाहाटी के लिए निकलना होगा और एक घंटा लगेगा शायद। अभी रुका हूँ गाड़ी के लिए, गाड़ी आई नहीं। गुवाहाटी जाओ बराबर बराबर बराबर, जल्दी जल्दी जा।